आज नवंबर की 9 तारीख और मंगलवार के दिन माशाल्लाह दरगाह शरीफ के बाहर का माहौल देखिए, बना रही है आगे देखिए। तो ये देखिए आप लैगेज लेके आप दरगाह शरीफ के अंदर नहीं जा सकते हो, लैगेज बाहर जमा करना पड़ता है जी। देखिए बना रही है, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, हुजूर गरीब नवाज की आस्था शरीफ आता है न्यू गेट से। आज के माहौल देखिए माशाल्लाह कैसे ज़ियारत कर रहे लोग, तो माशाल्लाह देख सकते हो आज कितना लंबा लाइन है आता है नूर गेट पे। बना रही है वीडियो को पूरा देखिए जी। तो ये देखिए माशाल्लाह पायती गेट जहाँ पे कदम उसी होता है आस्थाना शरीफ, माशाल्लाह कितना लंबा लाइन कितना भीड़ यहाँ पे देख सकते हो। आज मैं माहौल दिखा रहा हूँ, ज़ियारत करा रहा हूँ, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए जन्नती दरवाज़ा ज़ियारत कीजिए और जन्नती दरवाज़ा की माहौल भी देख लीजिए जी। बना रही है जी, तो आप ये देख सकते हो बाबा फरीशब के चिल्ला शरीफ, मेरे YouTube दोबारा जियारत कीजिए और आज का माहौल पूरा देख लीजिए। बना रही है दरगाह शरीफ जियारत कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम आशिकाने खाजा गरीब नमाज, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज नवंबर की 9 तारीख अब बार है ट्यूसडे यानी मंगलवार है। तो चलिए फिर आपको आज दरगाह शरीफ के बाहर लेके चलते हैं, पहले दरगाह शरीफ के बाहर का माहौल दिखाएंगे और माहौल दिखाते हुए सीधे दरगाह शरीफ के अंदर ले चलेंगे, अंदर का माहौल दिखाएंगे और दरगाह शरीफ ज़ियारत कराएंगे। तो बना रहिए वीडियो को पूरा देखिए, दरगाह शरीफ जियारत कीजिए और हमारे वीडियो द्वारा आप हाजिरी भी लगा लीजिए। चलिए फिर आपको लेके चलता हूँ दरगाह शरीफ के बाहर जी, बना रहिए जी। तो आपको लेके आया हो दरगाह शरीफ के बाहर मेन गेट पे, जो दरगाह शरीफ का मेन गेट है जिस गेट का नाम है निज़ाम गेट। निज़ाम गेट के सामने दरगाह बाजार की माहौल देख सकते हो। आज नवंबर की 9 तारीख और बार है ट्यूजडे यानी मंगलवार। तो माशाल्लाह ये मंगलवार की माहौल आज यहाँ पर कितना ज़ायरीन है देख सकते हो दरगाह बाज़ार में, और यहाँ का माहौल कैसे है, कैसे चल बल है माशाल्लाह। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और ये देख सकते हो निज़ाम गेट ज़ियारत कीजिए, निज़ाम गेट दिखा रहा हूँ, निज़ाम गेट के सामने का माहौल मैं दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह देख सकते हो आज मंगलवार का दिन ट्यूजडे और नवंबर की 9 तारीख, तो माशाल्लाह ये निज़ाम गेट जो मेन गेट से आप दरगाह शरीफ के लिए एंट्री लेते हैं, इस गेट का माहौल देख लीजिए कैसे लोग अंदर एंट्री ले रहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह आज के माहौल बहुत बेहतरीन माहौल है, देख लीजिए माशाल्लाह कितना ज़ायरीन आई हुई है और किस तरह लोग अंदर जा रहा है दरगाह शरीफ। और दरगाह शरीफ के मेन गेट के माहौल में ये दिखा रहा हूँ आपको, जो मेन गेट है निज़ाम गेट एक नंबर गेट, तो एक नंबर गेट से लोग कैसे एंट्री ले रहा है अंदर दरगाह शरीफ ज़ियारत के लिए देख सकते हो आप माशाल्लाह। तो आप ध्यान रखिएगा इस मेन गेट से आप लैकेज लेके अंदर नहीं जा सकते हो जी। बना रही, चलिए फिर आपको आगे और दिखाते हैं, स्किप ना कीजिए जी। तो आशिकाना गरीब नमाज, आप जो भी लोग हमसे कॉन्टैक्ट करने चाहते हैं तो देखिए अभी जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आपको, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप दोबारा हो और ऐसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब भी आपको अजमेर शरीफ में आना हो और हमसे मिलना है तो आप इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। और हमारा लोकेशन है होटल पुरानी जन्नत के पीछे सकीना हाउस, और ये देख सकते हो शाबाश टूर एंड ट्रैवल्स है। अगर आपको यहाँ आके हमें पूछे तो आप मिल जाएंगे, हमारी पता पूरा मिल जाएंगे। तो मैं आपको लोकेशन एक बार बता देता हूँ, देख सकते हो ये जो गली है दरगाह शरीफ से आ रहा मेन गेट से आ रहा होटल जन्नत वाला गली है, ये गली सीधा लखनकुटी आ रहा, लखनकुटी सीधा आते ही आप ये लोकेशन देख लेना, ये शाबाश टूर एंड ट्रैवल्स ठीक है। तो इसमें आके आप हमारे नाम लेके पूछ सकते हो, जैसे अजमेरी चंचल से मिलना है तो माशाल्लाह हम मिल जाएंगे, और हमें कॉन्टैक्ट करने के नंबर भी दे रखे स्क्रीन पर देख सकते हो आप जी। चलिए फिर चलते हैं आज दरगाह शरीफ लेके और ज़ियारत करते। तो माशाल्लाह मैं आपको निज़ाम गेट से अंदर एंट्री करा के सीधा लेके आया हूँ निज़ाम गेट के अंदर, के बाद एक गेट और आता है जिस गेट का नाम है नौबत खाना। तो नौबत खाना के गेट का माहौल देख लिए, आज मंगलवार का दिन है, इतना खसाखस माहौल हो रहा माशाल्लाह। दिवाली की छुट्टी चालू होते तमाम आशिकाना गरीब नवाज हुजूर गरीब नवाज के बरगाह में आया सभी ज़ियारत के लिए माशाल्लाह, सबको ज़ियारत भी माशाल्लाह अच्छे से हो रहा है। और देख सकते कितना बेहतरीन शांति माहौल है, सभी एक के बाद एक
लाइन लगा के एक ही साथ कंधा से कंधा मिला के दरगाह शरीफ के अंदर जा रहा है जियारत के लिए। ये देखिए बुलंद दरवाज़ा है, माशाल्लाह बुलंद दरवाजे भी देख लीजिए, जियारत कीजिए और बुलंद दरवाजे के सामने का भी माहौल देखिए, यहाँ पर भी खसाखस माहौल है, एक के कंधा पे एक कंधा जुड़ा हुआ माशाल्लाह, सभी एक साथ मिल के जा रहा है दरगाह शरीफ के अंदर, सभी अपना अपना मकसद जो लेके आया माशाल्लाह सभी मकसद यहाँ पे पूरा करेंगे। और ये देखिए अकबरी मस्जिद, ये अकबरी मस्जिद के माहौल आज यहाँ पर कितना पब्लिक है मंगलवार के दिन देख सकते हो, तो माशाल्लाह अच्छा माहौल है अजमेर शरीफ में। और ये देखिए दरगाह शरीफ के अंदर एंट्री लेने का बाहर से दो नंबर गेट, जो बाहर से आप अंदर एंट्री लेते हैं ये दो नंबर गेट का माहौल मैं आपको दिखाया हूँ। और ये देखिए बुलंद दरवाजा के नीचे का माहौल, तो माशाल्लाह आज ट्यूजडे का दिन है और नवंबर की 9 तारीख, तो 9 तारीख के दिन माशाल्लाह कितना पब्लिक यहाँ पर है देख सकते हो। ये है बुलंद दरवाजा के नीचे का माहौल, माशाल्लाह आज बहुत पब्लिक है, खसखस पब्लिक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बुलंद दरवाजा से हुजूर गरीब नवाज की गुम्बद शरीफ जियारत कीजिए और यहाँ का भी माहौल आप देख लीजिए माशाल्लाह। और ये है छोटी डेक, छोटी डेक के माहौल देख सकते हो आज माशाल्लाह, यहाँ पर भी कितना जायरीन है, खासा साहब का आशिक है। और ये देखिए बड़ी डेक, बड़ी डेक के भी माहौल देखिए, बड़ी डेक का माहौल माशाल्लाह कैसे है। और ये देखिए खाजा साहब के आशिक कितना आई हुई है दरगाह शरीफ में माशाल्लाह, सबकी हाजिरी हो रहा है, सभी जियारत करेंगे यहाँ पे, कोई महरूम नहीं रहेंगे माशाल्लाह यहाँ पे, तो आपके सभी प्रकार की जायज मकसद पूरा होता माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है बेशक। तो हुजूर गरीब नवाज के दरबार एक ऐसे दरबार है जो आपको तमाम जायज मकसद को यहाँ से पूरा होता है। और ये देखिए 3 नंबर गेट, तो दरगाह शरीफ के लिए आप बाहर से एंट्री लेते हैं आते हैं अंदर, तो ये 3 नंबर गेट है और इस गेट का नाम लंगर खाना भी है, यहाँ पर 2 टाइम लंगर तकसीम होता है तमाम आशिकाना खाजा गरीब नमाज पे। ये देखिए 3 नंबर गेट में काम हो रहा है माशाल्लाह, ये देखिए 3 नंबर गेट यहाँ पे काम चालू है, तो मैं आपको ये 3 नंबर गेट दिखा रहा हूँ, देख लीजिए 3 नंबर गेट के माहौल। और 3 नंबर गेट के अंदर लेते जो अंदर की माहौल देख लीजिए, ये बड़ी डेक और ये है वजू खाना, तो देखिए आज लोग कैसे यहाँ पे वजू बना रहा है, तमाम जायरीन वजू बना के आप आस्थाना शरीफ के अंदर जाएंगे, अपना हाजिरी को पूरा करेंगे माशाल्लाह। तो आप जो तमाम लोग हमारी इस वीडियो जरिया सबके लिए मेरी गरीब नवाज से दुआई ये है, जो गरीब नवाज आप तमाम आशिकाना खाजा गरीब नवाज जो हमारी YouTube द्वारा वीडियो द्वारा जियारत कर रहा है, सबको जियारत को कबूल कीजिए, सबको हाजिरी कबूल कीजिए। तो माशाल्लाह ये देख सकते हो मैं आपको लेके आया हूँ शांदली मस्जिद के सामने, यहाँ पे खाजा साहब के बीबी के दरगाह भी देखते हैं, तो मैं दरगाह भी जियारत करा, तो जी देख लीजिए एक खाजा साहब के बीबी का दरगाह है, जियारत कीजिए माशाल्लाह, दुआएं मांगिए, खाजा साहब के बीबी साहिबा से भी दुआ मांग सकते हैं, जियारत कर सकते हो, जियारत कीजिए। और ये देखिए शांदली मस्जिद की माहौल, शांदली मस्जिद में कितना आदमी है यहाँ, कैसे लोग इबादत कर रहा है और कितना पब्लिक यहाँ पर है देख सकते हो माशाल्लाह। आज मंगलवार के दिन है, ट्यूजडे के दिन है और नवंबर की 9 तारीख और ग्यारहवीं महीने की आज 3 तारीख है माशाल्लाह। तो देख सकते हो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ आतायनूर गेट पे, जिस गेट से आप आस्थाना शरीफ के लिए अंदर जाते हैं हाजिरी लगाते हैं माशाल्लाह। तो देखिए मैंने आपको आतायनूर गेट पे लेके आया हूँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर गरीब नवाज की गुम्बद शरीफ आतायनूर गेट से सुभान अल्लाह। और ये देखिए आतायनूर गेट की माहौल, यहाँ पर भी कितना पब्लिक है, कैसे बैठ के लोग इबादत कर रहा है ज़ियारत कर रहा है देख सकते हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए तो ये आतायनूर गेट की माहौल माशाल्लाह, कितना प्यारा माहौल है आज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब से दिवाली का छुट्टी चल रहा है तब से माशाल्लाह यहाँ पे जायरीन बहुत सारा आई हुई है और आ रहा है माशाल्लाह, सबकी हाजिरी पूरा हो रहा है, सबकी मकसद पूरा हो रहा होता है माशाल्लाह। आप भी आ सकते हैं, तो आप भी आइए, तशरीफ लिखिए या अजमेर शरीफ में हुजूर गरीब नवाज की दरबार शरीफ ज़ियारत कीजिए और अपना जो भी जायज मकसद है यहाँ के आप पूरा कीजिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है आपको आतायनूर गेट की माहौल और आतायनूर गेट से आप अभी आस्थाना शरीफ ज़ियारत कर रहे हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह देख सकते हो। तो ये है आपका आतायनूर गेट और आतायनूर गेट का लाइन देखिए किस तरह लाइन यहाँ पर लगा हुआ और कैसे जायरीन तमाम जायरीन हुजूर गरीब नवाज के आस्थाना शरीफ के अंदर ज़ियारत के लिए हाजिरी के लिए कैसे यहाँ पर लोग लाइन पे हैं माशाल्लाह, सभी एक के बाद एक अंदर जाएंगे, अपना हाजिरी को पूरा करेंगे, जब भी जायज मकसद लेके आया पूरा करेंगे माशाल्लाह। तो देख सकते हो ये है आतायनूर गेट और आतायनूर गेट पे अभी रिपेयरिंग का काम चालू है, देख सकते हो अभी ऊपर जो भी है यह रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ताकि आगे जो उरूस आने वाला उरूस से पहले पूरा काम को कम्प्लीट करना है, तो अभी से पूरा काम चालू है माशाल्लाह, जब भी यहाँ का रिपेयरिंग करना है
तो आप ज़ियारत कीजिए। और हुजूर गरीब नवाज़ से हमारी दुआ है जो आप तमाम आशिकाना खाजा गरीब नवाज़ जो हमारे यूट्यूब दोबारा आप ज़ियारत करें उसको ज़ियारत पूरा हो जाए और आपका मकसद भी पूरा हो जाए, ये मैं गरीब नवाज़ से दुआ करता हूँ और आप भी दुआ कीजिए। और ये देखिए आता है नूर गेट की माहौल, माशाल्लाह कितना पब्लिक यहाँ पर है, कबली की माहौल देखिए। और ये देखिए लाइन, मैं आपको लाइन दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये आता है नूर गेट से लेकर पूरा लंबा लाइन माशाल्लाह कितना लंबा कतार है। सुभान अल्लाह, सभी एक की बात एक के पीछे सब लाइन लगा रखा है, कतार में है, सभी अंदर जाएंगे, हाजिरी को पूरा करेंगे, ज़ियारत करेंगे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है आपका आता है नूर गेट की माहौल, आज कितना ज़ायरी ने यहाँ पर आई हुई है, देख सकते हो आप हमारे यूट्यूब द्वारा वीडियो द्वारा माशाल्लाह। ये देखिए लाइन, अभी तक लाइन ख़त्म ही नहीं हुआ माशाल्लाह, अभी तक कतार चल ही रहा है। तो मैं आपको आता है नूर गेट से पायती गेट लेके आया, तो माशाल्लाह देखिए पायती गेट तक लाइन है, आता है नूर गेट का लाइन जो है पायती गेट तक आ चुका है। तो माशाल्लाह तमाम ज़ायरीन जो है, जो तमाम आशिकाना खाजा है, ये सभी आस्था शरीफ के अंदर जाएंगे, अपना हाजिरी पूरा करेंगे माशाल्लाह, जभी जायज मकसद लेके आया उसका पूरा करेंगे। तो माशाल्लाह गरीब नवाज सब पूरा करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर गरीब नवाज की आस्थाना शरीफ के सामने जो दो नंबर गेट है, पायती गेट है, मैं पायती गेट का माहौल दिखा रहा हूँ। अरे देख सकते हो गुम्बद शरीफ और यहाँ का माहौल देख लीजिए, और यहाँ पे कबाली भी हो रहा है, ये कबाली का माहौल है, कुछ लोग कबाली सुन रहे हैं तो कुछ लोग इबादत कर रहा है, कुछ लोग दुआएं मांग रहा है माशाल्लाह, देख सकते हो आज की माहौल, ये आपका पायती गेट की सामने का माहौल माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना ज़ायरीन यहाँ पे आई हुई है माशाल्लाह, और आप भी आ सकते हो माशाल्लाह, आपके कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फैमिली के साथ हाजिर शरीफ में आइए, आप अपना हाजिरी लगा दीजिए और आपका जो भी जायज मकसद है माशाल्लाह यहाँ से लेके जाइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं बिल्कुल आपको लेके आया हूँ पायती गेट के सामने जहाँ पे कदम उसी होता है, और आज का भीड़ देखिए, आज का पब्लिक देखिए माशाल्लाह कितना पब्लिक है, ताकि जहाँ पे आता है नूर गेट से मैं आपको लेके आया हूँ पायती गेट। तो देखिए पायती गेट से जहाँ पे आपको कदम उसी होता है आस्थाना शरीफ, वहाँ पे पूरा क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि आज इतना ज़ायरीन यहाँ पे है, इतना आशिक है, फिर भी मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए और ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए, आपको तमाम दुआ पूरा हो जाएंगे, यहाँ से तमाम मकसद मुराद यहाँ से पूरा हो जाएंगे माशाल्लाह, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ एक ऐसा दरबार है जो तमाम आशिकाना गरीब नवाज जिन जिन्होंने जायज मकसद लिया था उसे पूरा होता है माशाल्लाह। और आप जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहा, आप हमारे यूट्यूब दोबारा ज़ियारत कर रहे हो, दीदार कर रहे हो, तो माशाल्लाह आप भी दुआएं मांग सकते हैं। मैं गरीब नवाज से रोज़ हाजिरी लगाता हूँ, दुआ करता हूँ, आप तमाम आशिकाना खाजा गरीब नवाज जो हमारे यूट्यूब दोबारा वीडियो दोबारा ज़ियारत करते हैं, आपको तमाम जायज मकसद गरीब नवाज पूरा करें। सुभान अल्लाह, ये देखिए तीन नंबर गेट से गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए, और ये देखिए आस्थाना शरीफ के तीन नंबर गेट माशाल्लाह, यहाँ पर भी कितना पब्लिक है देख सकते हो, सुभान अल्लाह। आज का माहौल बहुत अच्छा है दरगाह शरीफ के अंदर, जब से दिवाली का छुट्टी चल रहा तब से माशाल्लाह तमाम ज़ायरीन यहाँ पे आई हुई है और सब ज़ियारत कर रहा है, यहाँ पे मुसलमान गैर मुसलमान सभी यहाँ पे आता है और सब मकसद यहाँ से पूरा करता है माशाल्लाह, गरीब नवाज सबको पूरा करते हैं। तो आप भी आइए, आपका भी मकसद पूरा कीजिए माशाल्लाह, जो नहीं आ पाते आप हमारे YouTube द्वारा हमारा वीडियो द्वारा जो आप ज़ियारत करते हैं सबको ज़ियारत को कबूल करें, गरीब नवाज मैं यही दुआ करता हूँ गरीब नवाज से। और स्क्रीन पर चल रहा है नंबर पे आप हमारी पीर हाजी सैयद नूर आलम चिश्ती साहब के साहबजादे सैयद बाबा अली चिश्ती साहब से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी दरगाह शरीफ का मुतालिब काम हो वो काम आपको हो जाए माशाल्लाह। ये देखिए आप जन्नती दरवाज़ा ज़ियारत कीजिए, और यहाँ का भी माहौल देख लीजिए, आज मंगलवार का दिन कैसे माहौल है, कितना ज़ायरीन यहाँ पे है, देख सकते हो कैसे लोग ज़ियारत कर रहा है। और ये देखिए शाहजानी मस्जिद माशाल्लाह, ये है शाहजानी मस्जिद की अंदर की माहौल, शाहजानी मस्जिद से भी लोग कैसे दुआएं कर रहा है और कैसे लोग सेल्फी वगैरह ले रहा है देख सकते हो, सुभान अल्लाह। शाहजानी मस्जिद के अंदर से हुजूर गरीब ने गुम्बद शरीफ दिखाया आपको, और ये देखिए कितना यहाँ पर पब्लिक है और कैसे लोग यहाँ बैठ के दुआएं कर रहा है, कैसे इबादत कर रहा है माशाल्लाह। ये शाहजानी मस्जिद के अंदर की माहौल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन माहौल है, आज पूरा दरगाह शरीफ के अंदर के भी और बाहर का भी मैंने पूरा नज़ारा कराया, और इस तरह पूरा नज़ारा कराता हूँ, दिखाता हूँ, ज़ियारत भी कराता हूँ। तो आप लोग से गुजारिश है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि इस तरह लोग आप रोज़ आपको ज़ियारत हो जाए और माहौल की भी जानकारी हो जाए। तो माशाल्लाह ये देखिए आस्थाना शरीफ के चार नंबर गेट, जिस गेट से आप आस्थाना शरीफ ज़ियारत करके बाहर आते हैं
तो इस गेट भी आप ज़ियारत कर लीजिए और माहौल भी देख लीजिए माशाल्लाह कैसा माहौल है। सुभान अल्लाह बेहतरीन माहौल है। पर आप लोग से गुजारिश है जो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको रोज़ इस तरह ज़ियारत भी हो जाए और माहौल भी जानकारी मिल सके आपको। ये बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ ज़ियारत कीजिए मेरा यूट्यूब दोबारा और माहौल भी देख लीजिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ ज़ियारत कीजिए और माहौल भी देख लीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त और आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।